आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि विपक्ष थोड़ा मजबूत क्या हो गया है, तुष्टीकरण की सियासत करने में जुट गया है। दरअसल कट्टरपंथी सोच भारत की समरसता में जहर घोलने का काम कर रही है, लेकिन मोदी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी कहते रहे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो बोलते रहे 140 करोड़ परिवारजन, लेकिन विपक्ष का नैरेटिव अलग है और अलग है सियासत करने का तरीका। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब विपक्ष ने पीएम मोदी को बदनाम करने का मौका छोड़ा होगा, लेकिन हर बार मोदी उभर कर सामने आए। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। लोकसभा में विपक्ष की थोड़ी मजबूत स्थिति क्या हुई? उनको अपना सियासी अंदाज भाने लगा है और अब वो जमकर तुष्टीकरण की सियासत करने में जुट गया है। अब सोचिए, संविधान संविधान करने वाले शरीयत पर चुप्पी साधे हुए हैं, महिला के गुजारा भत्ते पर मौन है, ऐसे में बीजेपी हमलावर। जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती है, क्योंकि जब ये फैसला आया तब कांग्रेस ने इसका खुलकर स्वागत नहीं किया, करेंगे भी कैसे? इस पूरे निर्णय को लेने का काम तो राजीव गांधी ने ही किया। कांग्रेस जो भी कदम महिलाओं के हित में उठाए जाते हैं उसका विरोध करती है, इंडी अलायंस भी करती है। शादी जो होती है इस्लाम में वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो लायबिलिटी खत्म हो गई। वहीं ओवैसी की संसद में लगाई गई जय फिलिस्तीन की आग अब सड़कों पर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि ओवैसी का बयान संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन उनके समर्थकों के मन से कैसे हटेगा? सवाल ये भी कि विपक्ष संविधान के नाम पर पब्लिक से कब तक छलावा करता रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश संविधान से या फिर शरीयत से चलेगा। तो आपको बता दें, IAS पूजा खेड़कर मामले में लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए दरअसल पुलिस की जो टीम है वो गेस्ट हाउस पहुंची और 3 घंटे तक पूजा खेड़कर से पूछताछ भी की। आपको ये भी बता दें कि पूजा खेड़कर के जो माता पिता हैं वो फरार हैं, फोन बंद है और गेट पर भी ताले लगे हैं। आइए इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आए। कल तक जो IAS पूजा धमकाती थी, पद का रौब दिखाती थी, विवादों में घिरी वही IAS पूजा अब सवालों से बच रही है। अपनी बेटी के नाम पर रौब दिखाने वाले उसके माँ बाप भागते फिर रहे हैं, फोन बंद है, घरों पर ताले लटके हुए हैं। सर्टिफिकेट को लेकर IAS पूजा के नौकरी पर तलवार लटकी है तो उनके माता पिता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और वो पुलिस से बचते भाग रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जो पुणे गेस्ट हाउस की है। पूजा खेड़कर से पूछताछ के लिए पुलिस टीम देर रात यहां पहुंची थी। 3 महिला पुलिस कांस्टेबल जो हैं, वो इस वक्त पूजा खेड़कर के उसी कमरे के अंदर मौजूद हैं जहां पर पूजा खेड़कर पिछले 3 दिनों से मौजूद हैं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 पुलिसकर्मी जो हैं वो पहुंचे थे, जिनमें से 3 महिला कांस्टेबल थी जबकि 3 पुरुष जो है वो कांस्टेबल थे। 3 पुरुष कांस्टेबल यहां से जा चुके हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर आप किस मामले में पूछताछ करने के लाए हों और पूछताछ का विषय क्या है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग का बहाना बनाया और जिस तरह से वो गाड़ी लेकर यहां से गए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो यहां पर पुलिस जो है वो छिपाती हुई नजर आ रही है। पुणे में गेस्ट हाउस पर करीब 11 बजे पहुंची टीम देर रात 2 बजे के आसपास निकल जाती है। इस बीच पूजा को लेकर विरोध और बवाल बढ़ता जा रहा है तो उसके माता पिता भी लापता है, फोन बंद है, घर पर ताले लटके हुए हैं। आखिर कहां गायब हो गए पूजा खेड़कर के माँ बाप? लोकल क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की कई टीमों के अधिकारी पुणे और आसपास की जगहों पर उनकी तलाश कर रहे हैं।
उनकी माता पिता की तलाश जो है वो पुणे पुलिस को पिछले दो दिनों से है, क्योंकि वो मामला जिसमें वो किसानों की जमीन हड़पने का उन पर आरोप लगा और कैसे वो धमकाते हुए उनकी माँ जो है वो नजर आ रही थी, और इस पूरे मामले पर जब से FIR लॉन्च हुई है तब से उनकी माता और पिता जो है वो दोनों फरार हैं। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि क्या पूजा खेड़कर जो है वो अपने माता पिता के बारे में लोकेशन या फिर कुछ ऐसी स्थितियों को साझा कर पाए जिनसे उन तक पुलिस जो है वो पहुंच चुके। पूजा के माता पिता का पता लगाने के लिए तीन टीम बनाई गई है। ये टीम मुंबई, पुणे और अहमदनगर में उनकी तलाश कर रही है। पुणे में उनके बंगले पर दो बार पुलिस की टीम गई, लेकिन दोनों बार ही घर पर ताला लटका मिला। पूजा के माता पिता पर धमकाने और हथियार रखने के आरोप, माँ का पिस्तौल से किसानों को धमकाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद ही पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। FIR में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी लगाए गए हैं। अब IAS अधिकारी पूजा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर चौतरफा शिकंजा कसा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो IAS पूजा खेड़कर का बड़ा झूठ बेनकाब और एक एक कर पुलिस कई राज खोल रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ अभी खुलासा हो चुका है पूरे मामले में। तो पूजा की पोल खुल रही है, पूजा खेड़कर का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। जहां से MBBS किया उसने सच्चाई बताई, जहां से उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई की है वहां से सच्चाई सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर का खुलासा हुआ है। अब डायरेक्टर ने बताया एडमिशन के दौरान पूजा ने सर्टिफिकेट दिया था और उस प्रमाण पत्र में विकलांगता की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिक्र नहीं था। मतलब पूजा खेड़कर मेडिकल रूप से फिट थी। बाद में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप उन्होंने लगाया, दो बार फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने IAS को लेकर अपनी जानकारी दी थी, विकलांगता का जिक्र किया था, उसको लेकर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी आंखों में कोई परेशानी नहीं है, वो फिट है। और अब MBBS के डायरेक्टर का भी ये सच सामने आ गया है। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़, देसा गांव में मुठभेड़ लगातार जारी, सेना के ऑफिसर समेत 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकी लॉन्च पैड तैयार, सेना के सर्च अभियान में हथियारों की खेप बरामद, अखनूर में दिखे 2 हथियार बंद संदिग्ध, तलाश लगातार जारी। देर रात मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रैक्टर से टकराकर खाई में गिरी बस, हादसे में 5 लोगों की मौत, 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार पिकअप से टकराई कार, शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों की मौत, 9 लोगों के घायल होने की खबर। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह हुआ गिरफ्तार, ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने किया अरेस्ट, हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग्स पैडलर से पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है, बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी समेत 5 मुकदमे। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें की गई पार, दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से की पिटाई, पति के मुंह में यूरिन करने का भी लगा आरोप, पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने धावा बोल दिया, ताला तोड़कर बैंक के भीतर घुसे चोर, कैश की अलमारी का ताला तोड़ नहीं सके चोर और CCTV में पूरी घटना कैद। उधर बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या को दिया गया अंजाम, लड़की का शव गड्ढे में भरे पानी में पड़ा मिला, गुस्सा ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर और दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, लाखों की जेवरात और नकदी पार कर लिए, CCTV में कैद पूरा मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर में मुस्लिम अधेड़ ने 12 साल की बच्ची को बनाया अपनी हवस का शिकार, दुकान के भीतर ले जाकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।